आप लोगों को क्या बताएं कि हम लोग यहाँ कितने परेशान थे। इतना पानी था कि हमें इतनी सी मोहलत नहीं मिली है कि हम अपने बच्चों को उठा के सिर्फ लेकर गए, घर का सामान हमारा सब ऐसे बर्बाद हो गया। ये जो मेरी बच्ची का मैंने सामान लेके रखा था, तो हर महीने थोड़ा थोड़ा करके लाती थी मैं अपने घर में सिलाई विलाई कर आके, वो तक सब बर्बाद हो गया। सब उठा के ऐसी पानी के अंदर यूं ही फेंका हमने। सबको मदद के लिए बोला है लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आ रहा था। कोई ऐसा सामान, कोई ऐसी चीज नहीं है घर के अंदर जो सब बची हो, सब तबाह हो गया। बच्चों के कपड़े तक और पहनने के कपड़े तक कुछ भी नहीं रहे, बच्चे सोएंगे कहाँ पर। पहली बार आया इतना पानी कि पानी यहाँ तक था कमरे के अंदर, और जब मैं नीचे उतरा हूँ तो मेरे काम पानी कंधों पे था। मैं अपने दोनों बच्चों को यहाँ पर कंधों पे बिठाया था और फिर मैं लेके निकला था इन बच्चों को। मेरी छोटी बेटी 2 साल की है, वो बह रही थी पानी में, फिर लोगों ने बाहर से आकर उनको पकड़ा है। और फिर इतना पानी था कि हम सामने वालों की छतों पे जाके बैठे थे। हम बैठे बैठे दूसरे दिन तक भी हम भूखे प्यासे बैठे रहे, किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की, कोई नहीं आया था सर। पानी इतना तेज था ना, फिर तो सिर्फ हमने अपनी जानें बचाई थी, हमने पलट कर नहीं देखा। हमारे हाथ में 10 रुपये नहीं थे कि छोटे बच्चों के लिए दूध मंगा लेंगे हम। और यहाँ गली में इतना पानी था कि जो फर्नीचर हमारा टूटा है ना, उनके फट्टे लगाकर हमने रास्ता बनाया आने जाने का। अपनी मदद खुद करिए, नालियाँ बनाइए। जैसा कि सब जानते हैं कि इस साल कराची में रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई, इन्होंने कराची में बहुत से इलाकों को बर्बाद कर दिया। बच्चों के कपड़े बह गए, सारा सामान ख़त्म हो गया, बर्तन भी बह गए। सरजानी टाउन, यूसुफ गौड, अब्दुलरहीम गौड, ये वो इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी था जब बरसात हुई थी, और अभी तक उसके असरात मौजूद हैं। गटर लाइनें बंद हैं, घरों में पानी अभी तक है, और बहुत से लोग इस घरों से अपने कहीं और जा चुके हैं। अब वो ऐसे ऐसे आ रहे हैं लेकिन घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया। ये तमाम लोग गरीब लोग हैं, इनकी जो दिहाड़ी मिलती है उसमें अपना ये खाना पीना ही कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो सामान तबाह हो गया, यकीनी तौर पर इनके लिए करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसको हमने देखते हुए अदारुल खैर ने ये कोशिश कर रहा है कि वो सामान जिसको देकर ही अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं, मसलन अलमारियां हैं और चारपाइयां हैं, गद्दे हैं, तकिया है, अभी इनकी हालत इतने अच्छे नहीं है कि अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें, तो एक राशन का पैकेट भी बनाकर हम इनको दे रहे हैं। 30,000 तक का सामान है ये जो हम एक फैमिली को औसतन दे रहे हैं। इस तरह से हमने यहाँ सर्वे किया है, 300 से ज़्यादा फैमिली ऐसी हों जिनको फौरी तौर पर इस सामान की ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ कि लोग ज़रूर हमारे साथ तआवुन करें। बहुत बहुत शुक्रिया जदा करता।